हेलो दोस्तों, मैं हूं समी और आप लोग देख रहे हो समी का रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाला हूं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीज़र आया है। आप लोगों को जो पता होगा टीज़र आ गया है, तो अभी हम उसे देखने वाला हूँ कैसे क्या है, फिर आप लोग से डिस्कस करता हूँ देखने के बाद। और इसमें हम लोग को दिखाई देने वाला है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ। तो चलिए, दोनों का काफ़ी दिनों से हमने इन लोगों को मतलब बड़े पर्दे पर इन लोगों का जोड़ी नहीं दिखाया था, तो पहली बार हम लोगों को जोड़ी देखने के लिए मिलेगा इन दोनों का। तो चलिए देख लेता हूँ कि हम लोग को टीज़र कैसा लगता है देखने में, फिर आप लोग से डिस्कस करता हूँ देखने के बाद। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, 3 2 1 चालू। प्रलयम सर्वनाशम विदक्युन्न महाप्रलयम। और ये मूवी का डायरेक्ट किया है अली अब्बास जाफर जी ने, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवी को डायरेक्ट किया है, सुपर हिट मूवी जाता है इनका। क्या था? What I mean to say is, प्रलय आने वाला है। एक ऐसा प्रलय जो भूत वर्तमान और भविष्य को बदल देगा। एक रोबोट टाइप का मूवी होने वाला है, रोबोट रहेगा इस मूवी में। एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान और Who will stop me? तो इसमें और पृथ्वीराज कुमार भी है, पृथ्वीराज भी है इसमें। दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे। हिंदुस्तान है हम। क्या डायलॉग भाई, क्या डायलॉग भाई, दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान। बच के रहना हमसे बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है हम। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग भाई लिखा है भाई, लाजवाब डायलॉग हमें लगा। हर के एक्शन देखने के लिए मिला आप लोग को इसमें, सच में भाई लिटरली भाई एक्शन का। अगर आप लोग फैन हो तो इस मूवी को जरूर देखिए, मजा आ जाएगा दोनों का जोड़ी में हम लोग का एक्शन देखने में। ईद मतलब ईद में रिलीज होगा ये मूवी, अप्रैल महीने में आएगा ये मूवी इसी साल का, जो ईद होगा ईद में रिलीज़ होगा ये मूवी। और ये था इसका टीज़र, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा टीज़र। एक्शन तो भाई लाजवाब था भाई, जो डायलॉग बताया कि दिल से सोल्जर है दिमाग से शैतान है हम, हमसे बच के रहना हिंदुस्तान है हम, लाजवाब लाजवाब डायलॉग लगा हमें, काफ़ी अच्छा लगा ये वाला डायलॉग लिखा है, लाजवाब डायलॉग लगा। तो आप लोग कैसा लगा ये डायलॉग सुन के, आप लोग जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग कैसा लगा डायलॉग। और ये मूवी जो है एकदम मतलब AI पे बेस्ड होने वाला है ये मूवी, मतलब AI दिखाएगा और एक रोबोट रहेगा, रोबोट के थ्रू से हम लोग को हमला करेगा या किसी को मारेगा, और इसी टाइप से मूवी दिखाएगा हम लोग को। और पृथ्वीराज जो है वो एक विलन का रोल प्ले करने वाला है इस मूवी में, उनको दिखाया नहीं गया है, थोड़ा सा भी उनका झलक को दिखा देता तो अच्छा लगता, लेकिन पीछे से दिखाया है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पहचान लिया होगी ये वाला जो बड़ा बड़ा बालों वाला वो था शायद पृथ्वीराज। तो और सोनाक्षी सिन्हा भी है इसमें, लेकिन उनको भी नहीं दिखाया, इतना बढ़िया हीरोइन है, उनको डिसअपॉइंट क्यों किया टेलर ने भाई, टेलर कट किया है। अच्छा बात है कि चले नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा सा झलक दिखाना चाहिए था कि कम से कम इस मूवी में कौन कौन है, उनको तो सबको ठीक से थोड़ा थोड़ा दिखाता, लेकिन दिखाया नहीं है। फिर भी अच्छा खासा था इसका टीज़र, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आ गया भाई इसका टीज़र देखकर। अब अली अब्बास जाफर जी है, इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवी को डायरेक्ट किया है, जैसे कि आप ले लीजिए एक मूवी टाइगर, भारत, सुल्तान, ब्लडी डैडी, इस तरह की बड़ी बड़ी सुपरहिट मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है, और काफ़ी अच्छा लगता है इनका डायरेक्ट पर मूवी। इसका मूवी पे एक्शन भर भर के होता है, और इसमें भी हम लोग को दिखाई दे रहा है टीज़र से कि एक्शन तो होगा ही भाई लाजवाब, क्योंकि हम लोग को थोड़ा टाइगर का एक्शन और सुल्तान का इमोशनल दोनों कुछ देखने के लिए मिलेगा हम लोग को इस मूवी में, एकदम मस्त देखने के लिए मिलेगा। लेकिन और देखेंगे
ऐसा होता है भारत में भी, हम लोग कितना इमोशनल किया था, तो इसमें भी थोड़ा इमोशनल और एक शानदार मूवी होगा। लेकिन टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार का जोड़ी पहली बार हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर चीज़ में देख रहा हूँ उन दोनों का ही साथ है, जहाँ पे भी एक्शन कर रहा है, कोई भी हर एक सीन आ रहा है, तो दोनों ही साथ में है, अलग अलग नहीं है, दोनों को एकदम साथ में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग एक और चीज़ बता टाइगर श्रॉफ जी का, कि टाइगर श्रॉफ को जो दिखाया है तो उसे एक फुल कॉस्ट्यूम में दिखाया नहीं, एक भी सीन पे उसे फुल कॉस्ट्यूम में नहीं दिखाया, हाफ गंजी पहन के हाफ टी शर्ट है उसमें दिखा रहा है उनको, मतलब उनका बॉडी को दिखाना चाहता है भाई। जैसे अक्षय कुमार है उनका वो कॉस्ट्यूम पहन के है, पूरा एक ड्रेस पहन के है, लेकिन एक भी सीन में हम लोग को टाइगर श्रॉफ को दिखाया नहीं, उनका सिर्फ बॉडी ही दिखा रहा है। कितना बॉडी दिखा, हम लोग को तो मालूम ही है कि टाइगर श्रॉफ का पूरा बॉडी है, लेकिन यहाँ पे दिखाने का कोशिश करता है, सिर्फ उनका बॉडी को ही दिखाता है। तो खैर मज़ा आएगा, दोनों को साथ में देखेंगे एक्शन करते हुए अक्षय कुमार को, और इन दोनों का जो फिल्म काफ़ी दिनों से सुपर हिट नहीं गया, हिट नहीं हुआ है कोई भी बॉक्स ऑफिस पर, उतना तहलका नहीं मचाया है, तो इसी मूवी से हमें उम्मीद है कि तहलका मचाएगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक जाएगा। अगर इस तरह का एक्शन और अगर कहानी अच्छा खासा निकल गया इस मूवी का, तो ये मूवी हिला कर लग देगा भाई, लिटरली भाई बोल रहा हूँ, गजब का एकदम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगा ये मूवी, अगर कहानी ठीक से चला हो और जैसे। लेकिन ऐसा ना हो कि एक्शन के चक्कर में कहानी को भूल जाए मूवी का, तो भाई एक्शन के साथ साथ कहानी भी अगर साथ चलता है तो फिर ये मूवी फाड़ के रख देगा, कोई इस मूवी को रोक नहीं सकता, बॉक्स ऑफिस पर एकदम लाजवाब कमाई करेगा ये मूवी। आएगा तो ट्रेलर कैसा होगा, जब टीजर में इतना कुछ दिखाया तो टीजर को इतना फास्ट कट किया है, एक भी सेकेंड भी आप अगर स्लो से भी देखिए ना, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं होगा कि क्या हो रहा है टीजर में, क्या कुछ एक एक भी सीन ठीक से दिखाया नहीं, एक सेकंड से भी कम का सीन दिखाया है एक टीजर में। तो खैर अच्छा था, अच्छा खासा था ये टीज़र, हमें तो मज़ा आ गया टीज़र देखकर, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अभी देखा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।